नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ नायब शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत प्रेक्षक श्री प्रेम सिंह मीणा की उपस्थिति में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने कांग्रेस की विजय प्रत्याशी ज्योत्सना चरण दास महंत को विजय प्रमाण पत्र दिया। ज्योत्सना चरण की जीत पर उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। आमंत्रित की गई और उसमें कोई भी दावा पत्र प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार निर्वाचित अभ्यर्थी के संबंध में घोषणा की जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा छत्तीसगढ़ के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 कोरबा से लोकसभा के लिए निर्वाचन, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अंतर्निहित उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूं कि श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत 623 महंत पारा सारागांव जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। 10 सीटों पर बीजेपी और कोरबा सीट पर कांग्रेस की जीत मिली है। जांजगीर चांपा से बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने 60,000 मतों से जीत हासिल की है। मतगणना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजेता को प्रमाण पत्र प्रदान किया। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने अपनी जीत के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को क्षेत्र की जनता का आभार जताया। नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। 10 सीटों पर बीजेपी और कोरबा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। इसके साथ ही जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया मैदान में थे, जिन्हें बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने करीब 60,000 वोट से हराया है। वहीं कमलेश जांगड़े को 6,78,199 वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस के 8 विधायकों को जीत मिली, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया और मोदी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को जीत दिलाई है। वहीं बीजेपी के इस जीत को पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस के 8 विधायकों की निष्क्रियता और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कल्याणकारी कार्यों को प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद ही कांग्रेस के विधायक जनता का विश्वास खो रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस के विधायकों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की है। ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन की जीत है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश, सभी हमारे जिले के मंडल के बूथ के मेरे चारों जिला अध्यक्ष जी के और सभी मंडल बूथ सबका आशीर्वाद है और सबकी जीत है। अभी जो जांजगीर चांपा का रिजल्ट आया है, खास करके जांजगीर का जो कटरा है, किस रूप में आप देख रहे हैं? खास करके 8 सीट जो था विधानसभा का, वो 8 सीट में आप विधायक हमारे नहीं थे, लेकिन सब गड्ढा को पाट के हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, हमारी कार्यकर्ताओं की जीत हुई, एक तरफा जीत हुई है। तो आगे क्या आपकी प्राथमिकता होगी, किस तरह से आप क्षेत्र का विकास करेंगे? सबका साथ सबका विकास, हमारे सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद से सब चीज काम अच्छे से होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटें प्राप्त हुई है। हम पूरे प्रदेश की जनता के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति मन के अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया। रही बात जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में, हमारी सांसद जी खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र में मैं सभी कार्यकर्ताओं को मन के अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भी हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता के प्रति, मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति, जिन्होंने
अपने वोट के रूप में हम सबको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह दिया, सभी मतदाताओं के प्रति हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप बार बार कहते थे यहाँ 8 विधायक हैं कांग्रेस के, 9 होते तो क्या करते, हमने तो पहले ही कहा था आपको। अब मैं कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं इस जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में, उनसे नैतिकता के नाते इस्तीफे की मांग करता हूं। 5 महीने के अंदर उन्होंने अपना जनाधार खो दिया, जनता का विश्वास खो दिया, जनता का भरोसा खो दिया। अब उन्हें अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। अगर जरा भी नैतिकता उनमें है तो आज रात को ही वो अपने विधायक पद से तत्काल त्याग पत्र दे, क्योंकि जनादेश उनके खिलाफ आया है। और अंत में इतना ही कहूंगा कि भीमा तालाब में पानी अभी भी है। हमारे जो जांजगीर चांपा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था, वहां से श्रीमती कमलेश जांगड़े 60,000 मतों से आगे लीड लेते हुए वो विजेता घोषित हुए हैं, और ये पूरा जो काउंटिंग का शांतिपूर्ण तरीके से हमारा गुजरा, और जो सभी 20 राउंड के हमारे अधिकतर 20 राउंड थे जो 2 विधानसभा के, उन सबका काउंटिंग करने के पश्चात फाइनल रिजल्ट हमने दिया, और जो सर्टिफिकेट रहता है विनिंग कैंडिडेट का वो भी। इस बार लोकसभा चुनाव में जांजगीर चांपा लोकसभा सीट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि साल 2009 और 2014 में 2 बार बीजेपी से कमला देवी पांचवे सांसद रह चुकी हैं। वहीं साल 2009 में कांग्रेस से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 2,14,931 वोट मिले थे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट। रायगढ़ लोकसभा सीट से 2,00,000 से अधिक वोटों से राधेश्याम राठिया जीते। मतगणना स्थल से बीजेपी कार्यालय तक विजय जुलूस निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। इसके साथ ही विजय जुलूस में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और नव निर्वाचित सांसद राधेश्याम राठिया सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राधेश्याम राठिया की जीत के बाद जश्न का माहौल देखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये उत्साह देखा गया और कई कार्यकर्तागण यहां पर मौजूद थे। रायगढ़ में आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी जीत के बाद उत्साह और जश्न का माहौल सभी कार्यकर्ताओं में, खास तौर पर जश्न का माहौल देखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी से जीत के बाद यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जीत की लहर देखने को मिली और राधेश्याम राठिया ने यहां पर बतौर बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज की। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से विजय बघेल ने बीजेपी का परचम लहराया। उनको इस शानदार जीत पर जनता का अभूतपूर्व समर्थन भी मिला। विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को 4,38,226 वोटों से भारी अंतर से शिकस्त दी। उन्हें इस शानदार जीत की बधाई देने के लिए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल दुर्ग के होटल इम्पेरियल पहुंचे, जहां उन्होंने विजय बघेल को उनकी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से हासिल की गई शानदार जीत को लेकर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहां की जीत के साथ ही हम देश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। विजय बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को मार दी है, 4,38,226 वोटों से जीत हासिल की है और इनकी प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं में, लोगों में जश्न का माहौल देखा गया। तो वहीं होटल में जश्न मनाया गया, जहां पर विजय बघेल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कई बयान दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बना रही है, उसकी उन्हें खुशी है। पहले से ही जनता जनार्दन के श्रीमुख से आवाज़ें निकल रही थी कि इस बार और प्रचंड बहुमत से दुर्ग लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और वही रिजल्ट अभी आ रहा है। बड़ा उत्साहजनक वातावरण है,
लोगों के चेहरे में खुशी है और हम सब भी प्रभावित मन से इस जीत पर जश्न मना रहे हैं और इस विश्वास के साथ कि फिर से एक बार जनता ने सेवा का अवसर दिया है, इस सेवा भाव को हम लोग हमेशा बनाए रखते हुए जनता जनार्दन की सेवा हम लोग करते रहेंगे। ये बात तय है, मोदी जी के गारंटी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है, यह बात तय है। और देखें तो अभी जो रिजल्ट है उसमें बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त आखिरी दम तक के बढ़त रहेगा और उससे भी ज़्यादा सीट जीत करके आएंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी आ रही है? छत्तीसगढ़ में अभी क्या है, 11 के 11 सीट जीतेंगे, एक दो सीट में थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, लेकिन अंततः 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी का चेहरा है या फिर योजनाओं का? सर क्या है, हमारा तो प्रमुख तो ही है, मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी का चेहरा है ही है और वो जिस हिसाब से सभी काम किए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का तो मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पूरा लगन के साथ काम किए हैं और जिसका परिणाम हमको मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने तोखन साहू को प्रमाण पत्र प्रदान किया। बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की। बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने जीत दर्ज की है और जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर उन्हें प्रमाण पत्र दिया और जीत के बाद प्रमाण पत्र देकर उनका अभिवादन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान खुशी की लहर देखने को मिली। रायगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने 2,40,391 वोटों से जीत दर्ज की। 24 राउंड की मतगणना में बीजेपी को 8,08,275 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी मेनका देवी सिंह को 5,67,884 वोट मिले और जीत के बाद बीजेपी ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राधेश्याम राठिया ने कहा कि वो आम जनता, पार्टी कार्यकर्ता और पीएम नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के कारण ही जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं था कि वे कभी सांसद बन जाएंगे। आज का माहौल तो अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। हमारे इस जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। सभी कार्यकर्ता हमारे 2,363 मतदान केंद्र में डटे हुए कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे देश प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जिले के मंत्री, हमारे लोकसभा क्षेत्र के विधायकों को जाता है। हमारे देश की यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनके बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी आज यहां तक पहुंची है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र सारे रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। माननीय हमारे साय जी का ही जादू है, उन्हीं ने मंत्र दिया था कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को मतदान स्तर में डट कर काम करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया था और माननीय विष्णु साय जी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ही हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया था और हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलजुल करके आज उसी स्तर पर जा रहे हैं। देखिए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे मांगे हैं, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे प्राथमिकता तौर से काम करने का काम है। जैसे सारंगढ़ जिला, रायगढ़ जिला और जसपुर जिला, तीनों जिलों में अलग अलग मांगे हैं, कुछ मिलती जुलती मांगे हैं। रायगढ़ में प्राथमिकता है सबसे पहले तो रेल टर्मिनल की मांगे हैं हमारे रायगढ़ वासियों का, उस विषय को लेकर जाऊंगा। और रायगढ़ वासियों का एक बहुप्रतीक्षित मांग है कि यहाँ हवाई अड्डा का निर्माण हो। कुछ पहले से इस कार्य चल रहा था, कुछ कारणों से रुका हुआ है, उस विषय को मैं लेकर जाऊंगा। और हमारे रायगढ़ शहर औद्योगिक होने के नाते यहाँ हॉस्पिटलों की सुव्यवस्थित करना है और डॉक्टरों की भी एकदम सुव्यवस्थित करना है, तो ये विषय है बड़ा मांग। और हमारे सारंगढ़ में की मांग है कि उस आम जनताओं की वहाँ रेलवे लाइन का विस्तार हो। जसपुर जिला का मांग है कि रेलवे लाइन का विस्तार हो और वहाँ जसपुर में पर्यटन स्थल है, ताकि जसपुर जिला के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार स्वरोजगार मिले
और राजस्व आय भी बढ़ेगा पर्यटन स्थल होने से। तो ये बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है, तो इस विषय को मैं लेकर जाऊंगा और माननीय मोदी जी से आग्रह करूंगा, हमारे माननीय सीएम साहब से भी आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र का, पहले पूर्व सांसद रह चुके हैं 4 बार, उन्होंने अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या करना है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे लोकसभा के बहुप्रतीक्षित मांग जल्द पूरा होने की संभावना दिख रही है। जी, इसमें पिछली सरकार ने अनदेखी की, माने भूपेश जी जब यहाँ छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री रही तो एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना था, वो निर्माण कार्य को न करा करके हमारे किसान भाइयों को परेशान किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा, जनहानि के होने पर भी उन्हें सही टाइम में उनका मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, हमारे माननीय विष्णु देसाय जी की सरकार में इसका हल निकालेंगे, एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे हमारी सरकार, और किसानों की जो अकाल मृत्यु होती है उसको तत्काल उनका जो भी मुआवजा रहता है उनको अभी मिल रहा है, और अकाल मृत्यु ना हो इसलिए सुव्यवस्थित ढंग से एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे। मुझे इस विषय पे भरोसा नहीं था, लेकिन माननीय मोदी जी या माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उनका उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है वही हमारे कार्यकर्ताओं ने सर आंखों से बैठा करके मुझे आज इस क्षेत्र में काम करने का अवसर दिए। बिल्कुल गौ तस्करी नहीं होना चाहिए जी, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उनका हत्या किया है उसके लिए निंदा करता हूं, और गो तस्कर पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, इसके पक्ष में हमें हमेशा रहेंगे और आने वाले समय भी खड़े रहेंगे, गो तस्कर बंद। बसपा दल कार्यकर्ता सुजीत सोनकर की हत्या के मामले में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। इस घटना के बाद से ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। प्रशासन पर भरोसा न होने के कारण विश्व हिंदू परिषद लगातार पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायगढ़ के सदस्यों ने शहर में रैली निकाली। क्या ये पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 27 मई को बजरंग दल कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्या के पीछे के अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग और पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आग बबूला है। इसी बीच अपनी मांगों को लेकर रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रायगढ़ के सदस्यों ने शहर में रैली निकाल कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बताने की बाइक रैली कॉर्नमिल स्कूल से कलेक्टर कार्यालय तक निकली और जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले की जांच जब सीबीआई से कराई जाएगी तब ही मृतक को इंसाफ मिल पाएगा। साथ ही मृतक के परिवार की सहायता हेतु 1 करोड़ राशि प्रदान की भी मांग की गई है। यही नहीं, मामले की जांच के उपरांत जो भी पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं उनको बर्खास्त करने की मांग की गई है। बलरामपुर जिला में जिला संयोजक श्री सुजीत सोनी जी की हत्या हुई, जो कि विधर्मियों द्वारा किया गया एक कुकृत्य है, उनके ऊपर विधर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने हेतु बजरंग दल उग्र रूप से आज ज्ञापन सौंपा है। आगे भविष्य में ऐसा न हो और एवं अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी कलेक्टर महोदय से प्रार्थना है। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री जी का या अन्य मंत्रियों का राजधानी स्तर पर, प्रांत स्तर पर, सभी स्तर पर घेराव और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं अमितेश गर्ग, जिला संयोजक रायगढ़ बजरंग दल।
आज यहाँ क्या कहते हैं हमारे रायगढ़ के जो भी बजरंग दल के बंधु हैं उन्होंने जो बलरामपुर में उनके जो कि साथी हैं संजीव स्वर्णकार उनकी निर्मम हत्या हुई है उसके संबंध में जो हत्या की गई है उसके जांच के लिए यहाँ पर उन्होंने आज बाइक रैली निकाली है और हमें ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो कि मुख्यमंत्री जी के नाम से है जो कि आदरणीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनको प्रेषित किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के संबंध में अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी है ताकि हम लोग ये ज्ञापन के माध्यम से जो भी उनकी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री जी को पहुँचा सकते हैं। मैं यहाँ रायगढ़ तहसील में नया तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा नाम गिरीश निम्बानकर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार सुजित स्वर्णकार की हत्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सुजित के इस हत्या के मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपनी मांगों को लेकर कब तक शासन और प्रशासन के सामने डटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चोर भी कई तरह के होते हैं, कई छोटे मोटे तो कई शातिर होते हैं जो सालों साल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते या यूं कह लें कि पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रहती है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। ऐसा ही एक मामला सकती जिले से सामने आया है जहां पुलिस ने पिछले 2 सालों से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने में सत्ती पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी ने पिछले 2 सालों से पुलिस को परेशान कर रखा था। पकड़ा गया आरोपी पिछले 2 सालों में सत्ती में 8 जगहों पर चोरी कर चुका है। आरोपी के कब्जे से पुलिस को करीब 2.5 लाख के सामान जिसमें की 2 बाइक, घरेलू सामान और 2 मोबाइल और चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ना उनके लिए चैलेंज था क्योंकि शहर में लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। आरोपी चोरी की वारदात के बाद कई जगहों पर पुलिस के लिए पकड़ के दिखाओ और फिर मिलेंगे लिखकर चैलेंजिंग मैसेज छोड़ जाता था। पुलिस ने ये बताया कि आरोपी तक पहुंचने के लिए उन्हें साइबर टीम, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के मुखबिर की मदद ली गई थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि ये सब चोरियां वो अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए करता था। आरोपी चोरी के पैसे से अपनी प्रेमिका को महंगे महंगे तोहफे दिया करता था और जब पैसे खत्म हो जाते तो फिर किसी घर या दुकान को निशाना बनाया करता था। इस तरह पिछले 2 सालों में आरोपी ने 8 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सत्ती नगर में सिलसिलेवार जो चोरियां हो रही थी और पुलिस को इसमें चैलेंज भी किया जा रहा था कि आप मुझे पकड़ कर बताएं, इस तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है साइबर टीम और थाने स्तर पर विभिन्न टीम करके मुखबिर सूचना संकलन की जिम्मेदारी दी गई थी। इस आधार पर यह ज्ञात हुआ कि पुरैना पारा का निवासी जो देवा यादव है उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको पकड़कर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने शक्ति नगर के 8 जगह पे चोरी करना स्वीकार किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दुर्गा टायर में चोरी हुआ था लगभग 2 साल पूर्व। छत्तीसगढ़ का इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।